मेरा प्रोफेशनल प्राइवेट टीचर है। सो मेरा सिंगिंग का शौक है शुरू तो, वो मेरा शौक है सिंगिंग प्रोफेशनल, बाकी फिर परमात्मा चाहिए प्रोफेशनल भी आवे। मैं शुरू तो जदों तो अपनी होश संभाली, उस तो बाद मैं क्लेयर का गीत क्लेयर काफ़ी गाया। सो होर भी सिंगर ने मैं गाया है, बाकी सब तो ज़्यादा लोग कहते होंगे कि तू क्लेयर कंठ का कोई गीत सुना, तेरी वोकल नू वधिया लगता, तेरे गला इदां दा आ। सो इस करके मैं सब तो ज़्यादा क्लेयर कंठ, मेरा प्रोफेशनल प्राइवेट टीचर हाँ मैं। सो मेरा सिंगिंग का शौक है शुरू तो, तो मेरा शौक है सिंगिंग तो प्रोफेशनल नहीं, बाकी जो परमात्मा चाहिया प्रोफेशनल भी आवेंगे। सो बहुत बहुत थैंक्स सारे का, सपोर्ट करो वीर में, तो मैं स्पेशल थैंक्स कर। सो फैमिली वालों भी, रिश्तेदार भी, सारे भैन भरा जिहड़े भी मेरे यार दोस्त सज्जन मित्र आ, सारे बहुत सपोर्ट करते हैं, और सारिआं नूं मेरे वल्लों स्पैशल हत्थ जोड़ के थैंक्स, क्योंकि इन्हों का बदौलत ही अज चैनल वाले नाल मेरा रबता कायम होया। सो सब तो ज़्यादा जे पिछे मेरे हाथ आ, सो ताडा ही आडे सहयोग का आ। मैं शुरू तो जदों तो अपनी होश संभाली, उस तो बाद मैं क्लेयर का गीत क्लेयर कंट्री काफ़ी गाया। सो होर भी सिंगर नूं मैं गाया आ, बाकी सब तो ज़्यादा लोग कहते होंगे कि तू क्लेयर कंठ का कोई गीत सुना, तेरी वोकल नू वधिया लगता, तेरे गला इदां दा आ। सो इस करके मैं सब तो ज़्यादा क्लेयर कंठ जी गाया। हाँ जी, मैं मिल के आया सी 2010 दे विच, मेरे दोस्त ने मेरी सपोर्ट की है लब्बा भाजी। सो असी नकोदर गए सी और क्लेयर भाई नू मिले, क्लेयर भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है मैनू, उन्होंने गुरु जी आर पी राणा जी तो भेजा, फिर उन्होंने मैं सिक्ख्या ली असी वीर दी। सो क्लेयर भाजी बटाले भी एक दो बारी आए हैं, मिल के गए हैं मैं स्टेज के उत्ते, इतने जागरण होया। सो हुण भी मेरा दिल करता जो समा मिले सो मैं मिल के आऊँगा। वड्डी स्टेज नहीं अजे तक मैनू कोई प्लेटफॉर्म मिलिया, क्योंकि मैं कोई कॉम्पीटिशन नहीं लड़िया। सो मैं छोटिया स्टेजा, चाहे वह रामलीला पिंड की होगी या कोई वड्डी रामलीला होगी, सो जां कोई जागरण हो गया वड्डा, चाहे अचल साहब साढ़े आ उत्थे मैनूं मौका मिलिया, चाहे कोई होर स्टेज आ। सो छोटे लैवल दी स्टेजां ते मैं काफ़ी गाया।